तो सूडान से सुरक्षित निकाले गए 500 से अधिक भारतीयों को सऊदी अरब से शहर जेद्दा ले आया गया है। वहां से उनके देश लाने की व्यवस्था की जा रही है और इस बीच सूडान से और भारतीयों को निकालने की कोशिश भी हो रही है। सऊदी अरब के जेद्दाह से विमान में 360 भारतीय नई दिल्ली के लिए रवाना। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आपको शुभेच्छा भेजा है और इनको पीएम मोदी का संदेश सुनाया गया। सूडान में है उन सबको सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, आप सबको फिर एक बार अभिनंदन। इससे पहले सूडान में फंसे भारतीयों में से 278 को समुद्री मार्ग से जेद्दाह लाया गया। इसके अलावा वायुसेना के विमान से दो खेप में 121 और 135 भारतीयों को जेद्दाह लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को सुरक्षित लाने का ये सिलसिला जारी है। बचाए गए भारतीय अपनी खौफनाक यादें बता रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जेद्दाह में मौजूद हैं और ऑपरेशन कावेरी की देखरेख कर रहे हैं। The operation Kaveri will continue till every Indian who wants to come back. जब तक हर उस भारतीयों को देश वापस ना ले आया जाए जो सूडान से लौटना चाहते हैं, तब तक ऑपरेशन कावेरी जारी रहेगा। Every Indian wherever they are when they are in a problem the government of India will सूडान में अभी भी बड़ी तादाद में भारतीय फंसे हुए हैं। कोशिश उनको पोर्ट सूडान तक लाने की है। वहां भारतीय नौसेना का एक और पोत INS तेग तैनात है। भारतीयों को सुरक्षित बाहर लाने में विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना और वायुसेना सभी का योगदान अहम है। एक हमारी एक ऑपरेशन जारी है ऑपरेशन कावेरी, जिसमें जो हमारे नागरिक और हमारे मूल के लोग जो वहाँ सूडान में वहाँ लड़ाई में फंस गए थे, उनको हम उस संकट से कैसे बचाएं, कैसे भारत लौटाएं, कहीं और ले जाएं। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, आप ये नहीं समझिए कि न्यू इंडिया एक नारा है कि जो भी हमारे लोग कहीं भी हो अगर वो घर वापस आना चाहते थे तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको उसकी सुविधा दें। दरअसल 15 अप्रैल को सूडान में गृह युद्ध भड़कने के बाद से ही भारत सरकार भारतीयों को निकालने की तैयारी में जुट गई थी। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई जारी है। अमेरिका ने दोनों के बीच 72 घंटे का सीज फायर कराया है, लेकिन फिर भी हिंसा पूरी तरह से रुकी नहीं है। इस बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने की चुनौती बरकरार है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।